अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि ठीक होंगे। सो गाइस, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल फैशन एंड कुकिंग टिप्स को लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर पेश करूं। सो गाइस, चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपके चिकन के पकौड़े रेसिपी लाई हूँ, ये आपको पसंद आएगी। स्किप किए बिना मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कल रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान में सबका दिल करता है कुछ ना कुछ नया हो। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अज़ा नोट करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए चिकन 250 ग्राम बारीक कुटी हुई, बेसन 4 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चौथाई चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद कटी हुई, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच कटा हुआ, अंडे 3 अदद फेंटे हुए, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, हरी प्याज आधा कप बारीक कटी हुई। सो फ्रेंड्स, आइए इसको बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक प्याला लें, उसमें बेसन, बेकिंग पाउडर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अंडे, चाट मसाला, 1/4 कप पानी, बारीक कटे चिकन, हरी मिर्च और कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें और 30 मिनट के लिए अलग रख दें। एक पैन लें, उस पैन में तेल गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो फिर जो तैयार किया हुआ हमारे पास मिक्सचर था, उस मिक्सचर के पकौड़े बनाएं और गरम तेल में डाल दें। खस्ता और गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। जब अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो उसको निकाल कर एक ट्रे में रखें और साथ रायता और चटनी के साथ उसको सर्व करें। मज़ेदार चिकन के पकौड़े तैयार। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।